हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर उन सभी लेक्चरों की समरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अभी जो टेबल आपके सामने हैं, इस टेबल की से हम जो क्वेश्चन प्रीवियस टेक्निकल एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हम इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहले इस टेबल को हम समझ लेते हैं। इस टेबल में क्या हमने लिखा है, देखिएगा। हमने सबसे पहले लिखा है प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। अब देखिए, सबसे पहली जो प्रोसेस थी हमारी वो थी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हमने माना था वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब हमने उसमें मूविंग बाउंड्री वर्क निकाला था वो था जीरो, और हीट ट्रांसफर जब हमने निकाला था वो था हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो होता है MCBdT। देखिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस थी हमारी आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, जहां पर हमने वर्क ट्रांसफर निकाला था dW इज इक्वल टू PV2 - V1। ऐसे ही आइसोबारिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर थी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के चेंज इन एंथैल्पी के बराबर, तो dQ इज इक्वल टू MCPdT। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और जिसकी इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें हम लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो देखिएगा, dW इज इक्वल टू, इसमें हम वर्क ट्रांसफर निकाला था वो था P1 V1 ln V2/V1। दूसरा एक्सप्रेशन था dW इज इक्वल टू P1 V1 के लिए हमने लिख दिया P2 V2 ln V2/V1। सेम ऐसे हीट ट्रांसफर था वो था dQ इज इक्वल टू dW था, हो जाता है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो dQ = P1 V1 ln V2/V1, सेम जो dW निकला वो dQ के बराबर होता है, तो दोनों हमने लिख दिए। अब है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें देखिए इसका जो एक्सप्रेशन था PV = γ = कांस्टेंट, तो P1 V1 γ = P2 V2 = γ, PV2 V2 γ, dW = P1 V1 - P2 V2/γ - 1। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए P1 V1 के मतलब MRT1, यहाँ लिखता हूँ MRT2, MR कॉमन ले लिया तो T1 - T2/γ - 1। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, तो हमने जीरो कर दिया। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV की पावर n = कांस्टेंट, P1 V1 की पावर n = P2 V2 की पावर n। तो ΔW = हो गया P1 V1 - P2 V2/n - 1। ऐसे ही वर्क ट्रांसफर हो गया dW = MRT1 - T2/n - 1। इसमें हम देखेंगे हीट ट्रांसफर वो है dQ = n n - γ / n - 1 CV dT। ये जो टेबल आपको सामने दिख रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसकी हेल्प से प्रीवियस ईयर में टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कितना हमको हेल्प करती है। थैंक यू फ्रेंड्स।